बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूट्यूब चैनल शमीर बी के डब्ल्यू वॉइस के मुआज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शमीर बी के डब्ल्यू वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि बर वक्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लीजिए बिला ताखीर कहानी की तरफ चलते हैं। इशफाक मेरी जिंदगी में आने वाले उन किरदारों में से है जिन्हें मैं आज तक नहीं भूल सका। इशफाक से मेरी पहली मुलाकात अमृतसर के ही एक थाने में हुई थी। उन दिनों वो पुलिस कॉलेज में तरबियत हासिल कर रहा था। पहली मुलाकात में ही वो मुझे अच्छा लगा था। लंबा निकला हुआ कद, अच्छे नक्श, चौड़ी छाती और सफ़ेद कलियों जैसे दांत जो मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते थे। वो एक जहीन और खुशबाश लड़का था, अच्छे खाते पीते घराने से था। उसके वालिद फौज से मेजर रिटायर्ड हुए थे। अमृतसर के एक साफ सुथरे इलाके में उनकी ज़ाती कोठी थी। उसके अलावा फार्मिंग का काम भी था। ऐसे घरानों के लड़के अमूमन पुलिस में नहीं आते। मालूम नहीं इशफाक कैसे आ गया। शायद उसने अपनी मरहूम माँ की ख्वाहिश पूरी की थी। उसकी माँ चाहती थी कि शोहर के जिस्म पर सरहदों के मुहाफिज की वर्दी है तो बेटे के सीने पर कानून के मुहाफिज की वर्दी सजे। इशफाक से मेरी दूसरी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करते हुए ASI बन चुका था और वर्दी पहनकर खुशी से उठलाता फिरता था। उन दिनों मैं जालंधर में था। इशफाक मेरा मातहत बनकर मेरे ही थाने में आया था। बहुत जल्द वो थाने के अमले से घुल मिल गया था। छोटे अमले से उसकी बहुत बनती थी, लेकिन जहाँ तक अफसरों का ताल्लुक था वो इससे ज्यादा अच्छा नहीं समझते थे। जिस रोज इशफाक ने मेरे थाने में हाजिरी लगवाई, अमृतसर से DSP साहब का फोन आया। इंस्पेक्टर नवाज, ये जो नया मुंडा तेरे पास आया है पूरा खोते का पुत्र है। खबीस के दिमाग में फर्ज शनासी का कीड़ा घुसा हुआ है। कौम का तेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे, जरा ध्यान रखना इसका। मैंने कहा, आप बेफिक्र रहें जनाब। DSP साहब भड़क कर बोले, मैं तो बेफिक्र हूँ, लेकिन तुम बेफिक्र ना हो जाना। बदबख्त ऊपर खत लिख देता है DIG साहब को, एक थानेदार को मुअत्तिल करा के आया है तेरे पास। DSP साहब काफी देर इशफाक के बारे में जहर उगलते रहे। मैं भी जोरों शोर से उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। वैसे मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। DSP साहब जो कुछ फरमा रहे थे उसे सुनकर इशफाक की कदर मेरी निगाहों में बढ़ती जा रही थी। टेलीफोन पर गुफ्तगू खत्म हुई तो मैंने इशफाक को बुला लिया। उसने अंदर आकर बड़ा कड़कदार सल्यूट किया और इजाजत लेकर सामने कुर्सी पर बैठ गया। हमेशा की तरह उसकी वर्दी साफ सुथरी और स्त्री शुदा थी। वो कमर बिल्कुल सीधी रख कर बैठता था और बैठा हुआ भी अटेंशन लगता था। मैंने इससे इधर उधर की बातें छेड़ दी। बातों बातों में मैंने पूछा, वो शाहबाद के थानेदार बालकृष्ण का क्या चक्कर था यार? बालकृष्ण का नाम सुनकर इशफाक चौंका। फिर उसने बड़े अंदाज से सर हिलाया, जैसे इसे पहले से पता हो कि मैं जल्द या बदीर इससे ये सवाल पूछूंगा। कहने लगा, नवाज साहब, हमें बताया जाता है कि अपने से बड़े हर अफसर की इज्जत करें, लेकिन अफसर का जुर्म देखकर आंखें बंद कर लेना तो इज्जत में शामिल नहीं, और अगर यही इज्जत है तो मैं ऐसी बेइज्जती से बाज नहीं रह सकता। हमारा कानून कहता है कि हम रिमांड के बगैर किसी शख्स को 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि बालकृष्ण ने एक शख्स को 3.5 महीने से हवालात में रखा हुआ था? ना उसकी गिरफ्तारी डाली थी, ना उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की थी। ये एक धोबी है, इस पर एक जमींदार ने चोरी का इल्जाम लगाया था। वो चोरी पकड़ी भी गई, चोर भी पकड़े गए हैं, लेकिन धोबी की मुसीबत खत्म होने पर नहीं आ रही थी। उसका कसूर ये था कि वारिसों ने थानेदार को नजराना नहीं दिया था। थानेदार धोबी को छोड़ता था, ना इसके वारिसों को। रोज थाने बुलाकर तंग करता था। धोबी की जवान बीवी 2-2 घंटे थाने में बैठी बालकृष्ण के फहश मजाक सहती रहती थी। एक रोज धोबी की बूढ़ी माँ ने मुझे रोते हुए बताया कि थानेदार हमसे 200 रुपया मांगता है, लेकिन 200 रुपया लेकर वो मुल्जिम को छोड़ेगा नहीं, सिर्फ उसके खिलाफ पर्चा काटेगा। नवाज साहब, जरा इंसाफ पर मुलाहिजा फरमाइए। 200 रुपया मुल्जिम के खिलाफ सिर्फ पर्चा काटने के लिए मांगे जा रहे थे, और पर्चा भी वो जिसमें सच्चाई ढूंढने से भी ना मिले। मैं इस मामले को बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उस रोज मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बालकृष्ण को आखिरी बार समझाने की कोशिश की और वो नहीं माना तो मैंने सब कुछ DIG साहब को लिख दिया। उसके साथ ही अपना इस्तीफा भी लिख कर रख लिया। बाद में जो कुछ हुआ उसका आपको पता होगा। मैंने इशफाक से पूछा, पुलिस लाइन में आए तुम्हें कितनी देर हुई है? उसने बताया, यही कोई 8 महीने हो गए हैं। मैंने कहा, साल पूरा करने का इरादा है या नहीं? वो मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं है, भागने के लिए तो नहीं आया हूँ। मैंने कहा, काम तो तुम्हारे भागने वाले हैं। फिर उसे समझाते हुए कहा, भले मानस,
ज्यादा तेज भागने से इंसान कभी कभी ऊंधे मुंह गिर पड़ता है। अभी अपने पांव जमाओ, रास्ते की ऊंच नीच देखो, दूसरों का चाल चलन मुलाहिजा करो, फिर अगर हिम्मत रहे और दौड़ना चाहो तो दौड़ लेना। जिस दौर से तुम गुजर रहे हो मैं इससे गुजर चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में कौम की खिदमत का सौदा समाया हुआ है, लेकिन खिदमत के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो तुम पुलिस में रहो, दूसरे जिंदा रहो। वो मजाक की बात को बहुत अच्छी तरह समझता था और उससे लुत्फ भी उठाता था। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, मेरी बातों का बुरा ना मानना। कुछ अरसा बाद तुम ये मान लोगे कि मैंने अच्छी नसीहत की थी। इश्फाक मेरे पास करीबन 3 महीने रहा। उस दौरान मेरे और उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। उसमें बहुत सी सलाहियतें थी और जोश फरोश भी बेपनाह था। मैंने अंदाजा लगाया कि वो किसी तरह पुलिस लाइन में टिक गया तो खातिर खुद तरक्की करेगा। उसमें खामी बस एक थी, कानून पसंद नौजवानों की तरह वो बिल्कुल नाक की सीध में चलना चाहता था। मैंने उसे कई बार समझाया कि ये कोई स्कॉटलैंड की पुलिस नहीं है, यहाँ के आधे से ज्यादा थानेदार सही तरह पढ़ लिख भी नहीं सकते। इसे इन्हीं थानेदारों, इंस्पेक्टरों और सिपाहियों के साथ जिंदगी गुजारनी है, इसलिए वो ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ खुद को माहौल के मुताबिक जरूर ढाल ले। मेरी मातहती के दौरान एक दो मरतबा उसकी DSP साहब से भी झड़प होते होते रह गई। मैं जानता था इश्फाक हक पर है और उसकी जगह कोई भी इंसाफ पसंद शख्स होता यही करता, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है। आदमी को जिस माहौल में रहना हो उसके मुताबिक खुद को थोड़ा बहुत बदलना पड़ता है। मैंने इश्फाक को समझा बुझा कर बड़ी मुश्किल से ये मामले टाले, वरना मुमकिन था DSP का गुस्सा उसे डिस्चार्ज ही करा देता। चंद केसों में इश्फाक ने बेहद समझदारी से मेरी मदद की थी। मैंने उसकी कारगर्दगी को बढ़ा चढ़ा कर DSP साहब से बयान किया और यूं DSP साहब की भड़कती आग पर ठंडे पानी के छींटे पड़ गए। 3 महीने बाद मेरे थाने से इश्फाक की ट्रांसफर हो गई और वो चौकी इंचार्ज बनाकर बरनाला भेज दिया गया। उन दिनों बरनाला, रायकोट, बठिंडा वगैरह के इलाके दूर दराज इलाके शुमार होते थे। जमीन कमजरखेज थी, आबादी भी ज्यादा नहीं थी। कई इलाकों में तो पुलिस नाम की कोई चीज ही नहीं पाई जाती थी। अब अंग्रेज गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि इन इलाकों में कानून की अमलदारी कायम की जाए और ज्यादा से ज्यादा चौकियां और थाने बनाए जाएं। इश्फाक को भी एक ऐसी ही दूर दराज चौकी में भेजा गया था। मेरी समझ में ये बात उस वक्त तक नहीं आई और अब भी नहीं आई कि कम तजर्बाकार मुलाजमों को ऐसे तजर्बाती स्टेशनों पर क्यों भेज दिया जाता है। करीबन 1 माह बाद मुझे ये खबर मिली कि इश्फाक के किसी यार दोस्त को उसका खत आया है, जिससे पता चला है कि इश्फाक का वहाँ के किसी वडेरे से फड्डा चल निकला है और वडेरे के कारिंदों ने छुप कर इश्फाक पर गोली चलाई है, जिससे उसका एक हाथ जख्मी हो गया है। ये इतला सुनकर मुझे सख्त दुख हुआ और उसके साथ ही ये एहसास भी हुआ कि इश्फाक को उस चौकी में भेजकर सख्त नाइंसाफी की गई है और ऐन मुमकिन है कि ये साजिश उसी इंस्पेक्टर की वजह से हुई हो जिसे इश्फाक ने मुअत्तिल कराया था। पुलिस में ऐसे केस बहुत आम होते हैं, दुश्मनियां चलती हैं, ग्रुप बंदियां होती हैं, लोग दिल में ख्वार रखते हैं, बदला लेने के लिए कानूनी हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। अब एक नौजवान ASI को इंचार्ज बनाकर दूर दराज इलाके में फेंकवा देना भी तो कानूनी हथकंडा ही था। मैंने इस मामले की मजीद सुनगिन लेने की कोशिश की तो उस खत तक पहुँच गया जो इश्फाक ने अपने एक हवलदार दोस्त सफदर खान को लिखा था। उस खत से मुझ पर यह इंकशाफ हुआ, जिस शख्स से इश्फाक का फड्डा पड़ा है उसका नाम बदरोक है और वो टमानों के खानदान में से है। मैं बरनाला के टमानों के बारे में बहुत कुछ जानता था। वो बड़े जोरदार लोग थे, इलाके में उनकी बेशुमार जमीन थी और वो बड़े धड़ल्ले से रहते थे। 1940 के शुरू में एक केस क्रीश में मुझे वहाँ जाना पड़ा था और उस वक्त मुझे पता चला था कि उस इलाके में टमानों का किस कदर असर रसूख है। मैं एक कबायली मुजरिम को पकड़ने वहाँ गया था। इस सिलसिले में प्रकाश सिंह टमाना ने मेरी बहुत मदद की थी। टमानों के खानदान में प्रकाश सिंह टमाना सबसे बुजुर्ग आदमी था और नई नस्ल उसकी बहुत इज्जत करती थी। यही वजह थी कि टमानों के किसी आदमी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुजरिम को छुपा सके। इश्फाक का खत पढ़कर मुझे वो सारे वाकयात याद आने लगे और मुझे दिली रंज हुआ कि इश्फाक जैसा नया आदमी टमानों से मत्था लगा बैठा है। इश्फाक के दोस्त हवलदार से मैंने काफी बातचीत की, उससे इश्फाक के बारे में कई मालूमात हासिल हुई। इश्फाक की रिहाइश जैसा कि मैंने बताया है अमृतसर में ही थी। वहाँ करीब ही उसकी फूफी का घर था। फूफी गरीब थी लेकिन इश्फाक बचपन से अपनी फूफी जात को चाहता था।
उसने अपने सारे घर वालों की मुखालफत मोल लेकर फूफी जात से मंगनी करवाई थी और उम्मीद थी कि जल्द ही शादी हो जाएगी। हवलदार ने लड़की का नाम यास्मीन बताया और ये भी बताया कि वो इश्फाक को बहुत चाहती है। जब इश्फाक जलंधर में था और हवलदार के साथ सरकारी क्वार्टर में रहता था तो दो दफा अमृतसर से इसे चुपके चुपके मिलने आई थी। जब वो तीसरी मरतबा आई तो इश्फाक की ट्रांसफर बरनाला हो चुकी थी। वो बरनाला जाने के लिए तैयार हो गई। हवलदार ने उसे समझाया कि वो दूर दराज इलाका है, वहाँ पहुँचना आसान नहीं, आने जाने में कम से कम दो दिन लग जाएंगे। बहुत मुश्किल से हवलदार ने उसे वापस भेजा। हवलदार लड़की की तारीफें करने लगा और कहने लगा वो बड़ी खूबसूरत और तमीजदार लड़की है, इश्फाक की जोड़ी उससे खूब सजेगी। 7-8 रोज की बात है, जलंधर के पुलिस हेडक्वार्टर में आला अफसरों का इजलास हुआ। उस इजलास की सदारत अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर कर रहा था। उस इजलास में वो 4 SHO चुने जाने जिन्होंने बरनाला के उस दूर दराज इलाके में 4 थानों का चार्ज संभालना था। न जाने मेरे दिल में क्या आई कि मैंने रजाकाराना तौर पर अपना नाम उस चुनाव के लिए पेश कर दिया। इजलास के दौरान मैंने डिप्टी साहब से कहा, जनाब आप चाहें तो मुझे रंग कोट वाले थाने में तैनात कर सकते हैं। रंग कोट के चंद बाअसर लोग मेरे जानने वाले हैं। चंद साल पहले मैं वहां एक गिरफ्तारी के लिए गया था और महीना डेढ़ महीना वहां गुजारा था। डिप्टी साहब ने मुझसे चंद सवाल किए जिनके मैंने तसल्ली बख्श जवाब दिए। डिप्टी साहब के चेहरे से नजर आने लगा कि उन्होंने तजर्बाती तौर पर मुझे वहां भेजने का फैसला कर लिया। बाद में ये अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। चंद रोज बाद जब तब्दीलियों का ऐलान हुआ तो मेरा नाम रंग कोट थाने के लिए मौजूद था। जलंधर का ये थाना कुछ ऐसा बुरा नहीं था। मेरे सारे साथी हैरान थे कि मैंने रंग कोट में तब्दीली क्यों कराई है। सब अपने अपने अंदाजे कायम कर रहे थे। किसी का ध्यान इश्फाक की तरफ नहीं गया जो रंग कोट थाने की एक चौकी में इंचार्ज था और जिसने ख्वामखा अपनी जान खतरे में डाल रखी थी। तब्दीली कहीं ना कहीं तो होना ही थी। मैंने ये सोचकर रंग कोट में कराई थी कि शायद इस तरह मैं इश्फाक की कोई मदद कर सकूं। 2 हफ्ते बाद मैं रंग कोट थाने का चार्ज संभालने बरनाला पहुँच गया। रंग कोट का थाना बहुत पुराना था और थाने की इमारत उससे भी पुरानी थी। शायद बहादुर शाह जफर के दौर की कोई हवेली थी जिसके एक हिस्से में लकड़ी का एक बहुत बड़ा टाल था और दूसरे में थाना कायम था। उस थाने की हालत ना गुफ्ताबा थी, फर्नीचर टूटा फूटा था, छतें टपकती थी, दीवारों से पलस्तर झड़ता था। अमला कागजों में तो पूरा था लेकिन थाने में एक आध संतरी या हवलदार ही नजर आता था। वो चौकी जिसमें इश्फाक की ड्यूटी थी थाने से करीबन 10 मील के फासले पर थी। कहने को तो ये 10 मील का फासला था लेकिन बहुत दुश्वार गुजार रास्ता था। घोड़े और बैलगाड़ी के अलावा कोई तीसरी सवारी वहाँ नहीं चलती थी। बहरहाल इश्फाक को मेरे आने की खबर बहुत पहले ही हो चुकी थी। उसने रात पिछले पहर 10 मील का फासला तय करके सुबह सवेरे मेरा इस्तकबाल थाने के दरवाजे पर किया। उसके एक हाथ पर पट्टियां बंधी हुई थी लेकिन चेहरा हमेशा की तरह तरोताजा नजर आता था। मेरे यहाँ आने पर वो बेहद खुश था और ये खुशी उसकी बातों से भी झलक रही थी। मेरे साथ मिलकर 2 रोज में उसने खस्ता हाल थाने का हुलिया बदल दिया। फर्नीचर मुरम्मत हुआ, दीवारों पर सफेदी हुई, छतों पर मट्टी डाली गई, हवालात के टूटे हुए दरवाजे दोबारा कारामत बनाए गए और थाने की पेशानी पर टीम का एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा गया रंग कोट थाना। इन में से ज्यादातर काम इश्फाक ने ही सरंजाम दिए। जब मैं इसे इस तकल्लुफ से मना करता तो वो झट कहता, जनाब आप अफसर हैं, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। तीसरे रोज शाम को उसने मुझे अपना प्रोग्राम बताते हुए कहा, जनाब मैंने फैसला किया है आपके यहाँ आने की खुशी में कल एक जबरदस्त पार्टी हो जाए। यहाँ भांडों की टोलियाँ बहुत मशहूर हैं, आपस में उनका खूब मुकाबला चलता है। जिस महफिल में ये मुकाबला हो जाए उसमें लोग हंस हंस कर बेहोश हो जाते हैं। रंग कोट के चौधरी शोभा सिंह ने कहा कि ये सारा प्रोग्राम उसकी हवेली में हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इलाके के मुअज्जिज़ीन भी आ जाएंगे, इस तरह उनसे मुलाकात हो जाएगी और तफरी भी रहेगी। इश्फाक बड़े जोशो खरोश से बातें कर रहा था लेकिन मेरी नजरे उसके जख्मी हाथ पर जमी थी। मैंने निहायत संजीदा लहजे में कहा, इश्फाक शायद तुम्हें एहसास नहीं कि तुम कितने खतरनाक हालात से गुजर रहे हो। तुमने हवलदार सफदर खान को जो खत लिखा था वो मैंने सारा पढ़ा था। तुमने टमानों से टक्कर देकर अच्छा नहीं किया। वो जोर से कहकहा लगा कर हंस दिया, उसके सफेद दांत चमकने लगे और थोड़ी का गढ़ा कुछ और नुमाया हो गया। कहने लगा, नवाज साहब माफी चाहता हूँ, आप वो बातें कर रहे हैं जो मेरे होने वाली बीवी किया करेगी। आप ऐसी बातें करेंगे तो आपके मातहतों में क्या हौसला रह जाएगा। मैंने चढ़कर कहा, इश्फाक ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश ना करो, तुम कुछ नहीं जानते उन लोगों के बारे में, कुछ पता
ही नहीं तुम्हें, तुम्हें कोई भी कदम उठाने से पहले किसी से मशवरा कर लेना चाहिए था। वो हंसकर बोला, नवाज साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी आंखों के सामने जुर्म हो रहा हो और मुझे ये भी पता ना हो कि मुझे क्या करना है, मुजरिम को पकड़ने की बजाय मैं अफसरों से मशवरा करने दौड़ पड़ूं। आपका ये ख्याल गलत है कि मैं जल्दबाज हूं, यहां आकर मैंने जो कुछ देखा है मैं ही जानता हूं और जितना सब्र किया है शायद आप भी ना कर सकते। अब आप ही बताएं, बदरोग सिंह टमाना का मुलाजिम कालू अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक बीमार बूढ़े के कपड़े फाड़ रहा था और उसे सरे बाजार उस नंगा करना चाहता था। मैं वर्दी में था और मौका पर मौजूद था। अब अगर मैं चुप रहता या आंख बचाकर पास से गुजर जाता तो फिर मेरे यहाँ आने का क्या फायदा था और उस चौकी का क्या फायदा था जो यहाँ बनाई गई थी। मैंने इश्फाक से पूछा, कौन बूढ़ा था वो? इश्फाक ने कहा, उसका नाम सूरज सिंह है लेकिन सब उसे बाबा मैदा कहते हैं। बाबा मैदा लोहार है, जमींदारों के हल पंजालिया ठीक करता है, उनके कुओं की मुरम्मत करता है, उसके बदले उसे फसल में से हिस्सा दिया जाता है। बाबे मैदे की एक जवान शादीशुदा लड़की बदरोग सिंह चमाना के कब्जे में है, वो इसे 1.5 वर्ष से अपनी हवेली में रख कर इससे ज्यादती कर रहा है। हवेली में ही बदरोग के 2 जुड़वा बच्चों की माँ भी बन चुकी है। इस बात का इलम सारे गांव को है बल्कि पूरे इलाके को होगा, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की कि इस मजलूम औरत को बदरोग सिंह के चुंगल से निकाले, ना ही बदरोग सिंह इसे छोड़ने पर आमादा है। दर हकीकत यहाँ ऐसी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। चौधरी वडेरे जमींदार और उनके गमाश्ते आए दिन ऐसे कारनामे अंजाम देते रहते हैं, जुल्म सह सह कर लोगों की चमड़ी मोटी हो चुकी है। अब तो वो ये समझते हैं कि आम लोगों से पालतू जानवरों का असर सलूक करना चौधरियों और वडेरों का हक होता है। मैंने कहा, जनाब इश्फाक साहब आप कोई नई बात नहीं कर रहे, हमारे दूर दराज देहात में हालात इससे भी खराब है। ये सब कुछ वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा, मेरे या तुम्हारे बेकरार होने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। बहरहाल तुम बाबे मैदे के मुतालिक बता रहे थे, क्या नाम है उसकी लड़की का? इश्फाक ने कहा, गुलाब कौर उर्फ गुलाबा। अपनी शादी के 4-5 माह बाद की बात है, वो मायके आई हुई थी। रात को बदरोग टमाना का मुलाजिम खास कालू अपने साथियों के साथ बाबे मैदे के मकान में घुस गया और बाप बेटी को जबरदस्ती सरदार बदरोग की हवेली में ले गया। फिर बाबा मैदा तो चंद घंटे बाद वापिस आ गया लेकिन गुलाबा उधर हवेली में ही रही और अब उसको 1.5 वर्ष गुजर चुका है। गुलाबा का खाविन शर्मिंदगी के मारे मुंह छुपाकर कहीं जा चुका है और बाबा मैदा पागलों की तरह गलियों में फिरता रहता है, हर किसी को रोक कर पूछता है, तुम सरदार बदरोका की हवेली में गए थे, मेरी गुलाबा कैसी है? लोग उसका सवाल सुनकर खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं जैसे ये कोई गौर करने वाली बात ही ना हो। कभी कभी वो सदमे से बिल्कुल आउट हो जाता है, शराब खाने में जाकर जी भर कर शराब पीता है, फिर कोई लकड़ी ईंट पत्थर या ऐसी ही कोई चीज उठाकर गांव के चौराहे में आ जाता है। वो चीज लोगों को दिखाकर कहता है, देखो ये बदरोका है, इस चीज को जमीन पर फेंक देता है और बेतहाशा ठोकरे मारने लगता है, साथ साथ चीखता रहता है। उस रोज भी यही हुआ था, गांव के चौक में गिरद्वारे के सामने बाबा मैदा रो पीट रहा था, ऊपर से बदरोका के कुछ कारिंदे आ गए, उनमें कालू भी था, उन्होंने बाबा मैदे को जमीन पर गिरा कर बुरी तरह मारा पीटा, फिर उसके कपड़े फाड़ने लगे। सर ढांपने के लिए बाबा जमीन पर गठरी हो गया, वो उसे ठोकरे मार मार कर खड़ा होने पर मजबूर करने लगे। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त न हुआ, मैंने कालू और उसके साथियों का हाथ रोका, वो मुझसे उलझ पड़े, मैंने भी उनमें से एक की ठुकाई कर दी। कालू और उसके साथी मुझे खूनी नजरों से घूरते और धमकियां देते हुए चले गए। शाम को सरदार बदरोग टमाना ने मुझे हवेली बुला लिया, वहाँ कालू और दूसरे लोग भी मौजूद थे। बदरोग टमाना ने अपनी तरफ से बड़ा बनकर मेरी और कालू की सुलह करा दी। बहरहाल मैंने साफ कह दिया कि मेरी चौकी की हदों में जहाँ भी कानून के खिलाफ वर्जी नजर आएगी मैं अपना फर्ज जरूर अदा करूंगा, मेरी किसी से जाति दुश्मनी नहीं, ये कानून और जुर्म की दुश्मनी है। इस वाकये के 6-7 रोज बाद मैं सुबह नहर से नहा कर वापिस आ रहा था कि मकई के खेत में से किसी ने मुझ पर गोलियां चलाई। मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 राइफलें थी, उन्होंने कम से कम 8 राउंड फायर किए। एक गोली यहाँ मेरी कलाई से जरा ऊपर लगी, मैं दौड़ कर एक खाल के अंदर लेट गया। इतने में 2-3 खेत मजदूर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मेरा हाल अहवाल पूछा।
वैसे मैं समझता हूँ कि हमला आवरों ने सिर्फ मुझे डराने के लिए फायरिंग की थी, वरना वो मुझे मारना चाहते तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं पूरी तवज्जो से इशफाक की रौदात सुन रहा था। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ सरदार बदरोग तमाना लड़की के बारे में क्या कहता है? इशफाक ने गुस्से से कहा, वो एक नंबर का झूठा है जी, साफ मुकर जाता है जी, कहता है मैं तो इस नाम की लड़की को नहीं जानता। हालांकि बच्चे बच्चे को मालूम है बाबी मैदे की बेटी इसकी हवेली में है। मैं परेशानी के आलम में कभी कभार सिगरेट पिया करता था। मैंने इशफाक से एक सिगरेट लेकर सिलगाया, चंद एक गहरे कश लेने के बाद कहा, इशफाक मैं समझता हूँ ये चौकी तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से अपनी तब्दीली करवा लो। वो मुस्कुराया, नवाज साहब मैं जानता हूँ आप ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस चौकी में काम ना कर सका तो फिर समझिए सारी जिंदगी काम ना कर सकूंगा। बाकी जहाँ तक आपके मशवरों का ताल्लुक है, मैं इनकी कदर करता हूँ और इन पर अमल भी करूँगा। आपको मुझसे ज्यादा शिकायत जल्दबाजी की है ना, इंशाअल्लाह अब ये जल्दबाजी नहीं करूँगा। मेरे समझाने बुझाने का इशफाक पर कोई खास असर नहीं हुआ, ताहम मुझे इतनी कामयाबी जरूर हुई कि मैंने इसे पार्टी वगैरह के प्रोग्राम से रोक लिया। मैं नहीं चाहता था कि इलाके के चौधरियों और वडेरों को चेहरे पर झूठी खुशी सजाकर इस पार्टी में शरीक होना पड़े। जाहिर है हम इन चौधरियों के बेबहा इख्तियारात में कटौती करने के लिए यहाँ आए थे। इनका जाहिर कुछ भी कहता है, इनका अंदर हमारी तरफ से ठंडा कैसे हो सकता था। 10-12 रोज बाद की बात है, दोपहर के वक्त धूप निकली तो मैंने अपनी कुर्सी थाने के सहन में लगवा ली। काफी सुहाना मौसम था, कोई खास काम भी नहीं था। सुबह सुबह दो पार्टियों में सुलहनामा करवा के मैं फारिग हो चुका था। फारिग वक्त में मैं अमूमन गांव के किसी आम फर्द को बुलाकर इससे गपशप शुरू कर देता था। इससे अपने इलाके के लोगों को समझने का बहुत मौका मिलता है। उस वक्त मैं भी यही शुगल इख्तियार करने के बारे में सोच रहा था, एक घुड़सवार सर पीठ घोड़ा दौड़ाता थाने के दरवाजे पर पहुँचा। वो इशफाक की चौकी का हेड कांस्टेबल था। रास्ते के गर्दो गुबार से उसका चेहरा और लिबास आटे हुए थे। मुझे देख कर वो फौरन घोड़े से नीचे उतर आया, सल्यूट मार कर तेजी से बोला, जनाब मैं एक अहम खबर लाया हूँ। उसका चेहरा बता रहा था कि खबर बहुत अहम है और वो सब के सामने नहीं सुनाना चाहता था। मैं उसे लेकर कमरे में आ गया। हेड कांस्टेबल ने हाँफते हुए लहजे में बताया, जनाब आपको फौरन हमारी चौकी चलना होगा, वहाँ बड़ी गड़बड़ हो गई है। मानो ने धमकी दी है कि वो चौकी को आग लगा देंगे और अमले को कत्ल कर देंगे। ये खबर बेहद परेशान कुन थी। मैंने कांस्टेबल से पूछा, हुआ क्या है? वो बोला, जी कोई डाकिया वगैरह का झगड़ा था, उसी से बात बढ़ गई। मुझे तो ठीक तरह पता नहीं, कल शाम बदरोग टमाने के करिंदों ने एक तंदूर पर हमारे अमले से हाथापाई की। सिपाही खुदा बख्श के सर पर रोटियां उतारने वाली खुरपी लगी जिससे उसका सर फट गया, वो अभी तक बेहोश है। इशफाक साहब खुरपी मारने वाले को गिरफ्तार करके थाने ले आए। उस शख्स का नाम मुरलीधर है। तमानों ने कहा, हमारे आदमी को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। इशफाक साहब ने इनकार कर दिया। अब वो धमकियां दे रहे हैं कि चौकी को आग लगा देंगे। मुझे तमानों पर तो गुस्सा आना ही था, इशफाक पर भी आ रहा था। मेरे बार बार समझाने के बावजूद वो हमाकत से बाज नहीं आया था। वो एक नादान बच्चे की तरह तमानों के बिछाए हुए जाल में फंसता जा रहा था। मैंने उसी वक्त जरूरी अमले को साथ लिया और हम घोड़ों पर सवार चौकी रोहतक रवाना हो गए। रेतला इलाका, ऊंची नीची जमीन और दुश्वार रास्ता था। 10 मील का सफर हम करीबन 3 घंटे में तय करके शाम के वक्त रोहतक पहुंचे। सूरज उस वक्त दूर एक बड़े सुर्ख थाल की तरह सरसों के खेतों में छुप रहा था। पूरे गाँव पर मदनी सी खामोशी तारी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हम सीधे चौकी पर पहुंचे, वहां इशफाक और उसका अमला मौजूद था। सबके चेहरे तने हुए थे। इशफाक मुझे लेकर एक छोटे से कमरे में आ गया। मैंने उसे कड़ी नजरों से घूर कर पूछा, हाँ क्या बात हुई है? वो बोला, आप मुझे कसूरवार समझते हैं, बेहतर है तमानों से ही पूछ लें। मैंने झड़क कर कहा, ये चोटे करने का वक्त नहीं, जो बात हुई है वो ठीक ठीक बताओ। इशफाक ने एक खत मेरे सामने रख दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोला, पढ़ कर देख लें। मैंने पढ़ा, ये 10-15 सितरों का मुख्तसर सा खत था। लिखने वाली ने अपना नाम नहीं लिखा था, बस खत के आखिरी में तुम्हारी लिख दिया था। इशफाक के बताए बगैर ही मैं समझ गया कि ये इसकी मंगेतर यास्मीन का खत है। आम सा खत था, वैसे ही खत जैसा एक प्यार करने वाली अपने महबूब को लिख सकती है। इशफाक ने कहा, बस जी यही खत सरदार बदरोग सिंह के हाथ लग गया था, उसने बात का पतंगड़ बना लिया है। मैंने पूछा, लेकिन सरदार के हाथ ये कैसे लगा? इस डाकिये हरामजादे की हरामजदगी, वो सरदार के खास चमचों में से एक है। मेरे खत खोलता है
है, ये खत इसने जाकर सरदार को दिखाया। सरदार ने पंचों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें भड़काया कि ये देखो जो बंदा तुम पर थानेदार बनाकर भेजा गया है उसके लक्षण क्या है, वो पराई बहू बेटियों से इश्क पेचे लड़ाता है। अब आप इंसाफ करें, ये मेरी मंगेतर का खत है और आपने पढ़कर देख ही लिया है इसमें ऐसी कौन सी बात लिखी है। मेरा ये जाति खत सरदार बदरोग और पूरे गांव के सामने क्यों पहुंचा, क्यों सबके सामने मेरी तजलील की गई। मैं यहां थानेदार बनकर आया हूं, अगर मैं चौधरियों से अपनी इज्जत महफूज नहीं रख सकता तो दूसरों की इज्जत क्या खाक बचाऊंगा। मैं डाकिया से बात पूछ करने उसके घर पहुँचा तो पता चला वो हवेली में है। मैं हवेली चला गया, वहाँ महफिल जमी हुई थी। मैंने डाकिया से बात करनी चाहिए तो सरदार बदरोग सिंह खुद बीच में कूद पड़ा। सरदार से तू तू मैं हो गई। उसने मुझ पर लोफरपन का इल्जाम लगाया तो मैं भी चुप ना रह सका। मैंने कहा लोफरी और बेहयाई का तो पता उस वक्त चलेगा जब बाबे मेदे की गुमशुदा बेटी बरामद होगी और वो अदालत में बताएगी कि अब तक वो किसके जुल्म सहती रही है। मैं और भी बहुत कुछ कह सकता था और मैं जो कुछ कहता उसमें से किसी बात का जवाब सरदार बदरोग के पास नहीं था, इसलिए डाकिया से बात किए बगैर वापिस आ गया। उसी रोज शाम को मेरी चौकी के चार सिपाही खाना लेने गांव के तंदूर पर गए तो टमानों के कारिंदे वहां आ गए। उन्होंने छेड़छाड़ शुरू की तो लड़ाई हो गई। एक शख्स मुरलीधर ने तंदूर की आहनी से एक सिपाही खुदा बख्श के सर पे मारी, वो जख्म खा कर गिर गया। मेरे एक सिपाही के पास राइफल थी, उसने हवा में फायरिंग की तो बदरोग सिंह के कारिंदे भाग गए। सिपाही बेहोश खुदा बख्श को उठाकर थाने लाए। मैंने जाकर मुरलीधर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, वो इस वक्त हवालात में है। सरदार बदरोग सिंह खुद तो बरनाला गया हुआ है, उसके करिंदे कालू के साथ दो तीन दफा मेरे पास आ चुके हैं। वो धमकियां दे रहे हैं मैं मुरलीधर को छोड़ दूं वरना वो जबरदस्ती छुड़ा लेंगे। सुबह एक मुखबर ने आकर मुझे बताया है कि वो चौकी को आग लगाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इश्फाक की जुबानी मुझे ये सुनकर कदरे इत्मीनान हुआ कि सरदार बदरोग गाँव में नहीं है और ना ही उसने चौकी पर चढ़ाई करने की धमकी दी है। ये सब कुछ उसके करिंदे कर रहे हैं। उनकी बातों की कुछ ज्यादा अहमियत नहीं थी क्योंकि मैं जानता था कि वो बदरोग सिंह की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ तड़ियां लगाएंगे। और बदरोग सिंह ऐसा अहमक नहीं था कि वो अपने करिंदों की चौकी पर चढ़ाई करने की इजाजत देकर पुलिस से बराह रास्त टक्कर ले लेता। ये बड़े गहरे और खचरे लोग थे। खचरे ना होते तो सरदार ना कहलाते और ना इतनी जमीनों के मालिक होते। इन्हें सब पता है कहाँ जोश दिखाना है और कहाँ गिच्ची मारनी है। मैंने इश्फाक से कहा, देखो इश्फाक, ये कहावत जितनी पुरानी है उतनी ही सच्ची है कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखना चाहिए। तुम जो कुछ कर रहे हो बिल्कुल उल्ट है। मैं नहीं समझता कि तुम इस तरह महकमे के लिए कोई नेक नामी कमाओगे। इश्फाक ने लापरवाही से कहा, नवाज साहब जब आप ऐसी बात करते हैं तो मुझे अफसोस होता है क्योंकि मैं आपको दूसरे पुलिस वालों से मुख्तलिफ समझता हूँ। क्या आप समझते हैं कि मैं झूठा हूँ? अगर इस बात का जवाब नफी में है तो फिर मैं किसी टमाने ठाकुर राय या चौधरी से क्यों डरूं? क्यों अपनी गर्दन झुका कर रखूं और कानून शिकनों से नजर बचा कर गुजर जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मेरी पेटी उतर जाएगी, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे दिल में जो थोड़ा बहुत खौफ था अब अल्लाह के फजल से वो भी दूर हो गया है। मैं अब टमानों को बता दूं।